आज के लेक्चर में हम देखेंगे जी कि एक ट्रेडिशनल डेटा वेयर हाउस को हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हुए कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम कंसिडर करके मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए डेटा वेयर हाउस की परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट्स कर सकते हैं। तो जब उसमें परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट्स हो जाएंगी तो हम उसे कह सकते हैं कि ये मॉडर्न डे का डेटा वेयर हाउस है। ओवर द ईयर्स हमारे पास जो एक डिफरेंट डायनेमिक्स इवॉल्व हुए हैं कि हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवाइसेस बन गई। ठीक है, पहले एक ख़ास किस्म की डिवाइसेस थी, सिर्फ उन पे डेटा रिकॉर्ड हो रहा होता था, बाकी अगर हम चाहते थे तो डेटा रिकॉर्ड करते थे। आज हम वी आर ऑलवेज ऑलमोस्ट ऑलवेज इंटरेस्टेड कि हम ये देखेंगे हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन की व्हीकल्स हैं वो ट्रैफिक रश आवर्स में किधर से गुजर रही हैं, या मे बी कि आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके यूजेज के पैटर्न्स क्या हैं आपके कस्टमर्स के। आपका कस्टमर अगर आपकी कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है तो उस एप्लीकेशन में वो कैसे नेविगेट कर रहा है, कौन से ऐप्स को यूज़ कर रहा है, अगर आप ही की ऐप है तो कौन से उस ऐप के पेजेस को यूज़ कर रहा है, कोई ख़ास स्पेसिफिक सेक्शंस हैं जिनके अंदर वो शॉपिंग कर रहा है, या कुछ आर्टिकल्स हैं जिनको वो ज़्यादा पढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाती हैं और ये सारा का सारा डेटा जनरेट हो रहा है। सिमिलरली एक यूज़र है जो लेट्स से आपकी ऐप भी यूज़ कर रहा है और आपकी ऐप यूज़ करते हुए कभी कभार वो उसमें कुछ चीज़ परचेज भी करता है। तो जब वो परचेज करता है तो क्या वो आपका दिया गया मेथड यूज़ करता है, या वो आपकी ऐप से बाहर जाके किसी और ऐप से जाके पेमेंट कर रहा है। सो हाउ आर यू रिसीविंग द पेमेंट्स, लेट्स से फॉर गिविंग सम पर्क्स इन दैट स्पेसिफिक गेम और एप्लीकेशन। तो ये अब आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज ऑफ डेटा आ रहे हैं एंड दे कम टुगेदर टू गिव यू द बेस्ट इंसाइट इनटू योर यूजर और मे बी इनटू योर बिजनेस। अगर आपका लेट्स से गाड़ियों का एक फ्लीट है जिसने ट्रेवल करना है और जाके पैकेजेस डिलीवर करने हैं, तो वो फ्लीट किस एवरेज स्पीड को मेंटेन कर रहा है, उसकी एवरेज स्पीड में कितनी वेरिएशन आ रही है जब वो सिटी से गुजरता है या वो सब अर्बन एरिया से गुजरता है। तो ये सारे फैक्टर्स आप अकाउंट फॉर कर रहे होते टू टेक द मोस्ट आउट ऑफ दैट डेटा। मोस्ट रिसेंटली हुआ ये है कि जी कंपनीज ने डेटा इसी तरह आप ज़्यादा कैप्चर करना शुरू कर दिया है। देन वी हैव अ न्यू कॉन्सेप्ट रिलेटिवली, अब तो खैर लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट, कि भाई आप हर चीज़ के ऊपर सेंसर लगा देते हैं और वो सेंसर्स डेटा जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, बाय द आवर बाय द सेकेंड्स। ठीक है, और वो जो डेटा जनरेट हो रहा है उस डेटा से फर्दर एनालिसिस किया जाता है। इट कुड बी कि आपकी जो व्हीकल्स थी उसके टायर्स में क्या प्रेशर था, ठीक है, इट कुड बी कि आपके व्हीकल के इंजन का टेम्परेचर क्या था, इट कुड बी कि ये सारे सेंसर आपकी एक ही गाड़ी में लगे हुए होंगे एंड देन यू विल हैव मल्टीपल व्हीकल्स। अब वो बाय लेट्स से एवरी 10 मिनट्स आपको एक रिकॉर्ड जनरेट करके भेजते हैं कि भाई इस टाइम पे गाड़ी का फ्यूल लेवल ये है, टेम्परेचर लेवल ये है, उसकी एवरेज स्पीड लेट्स से लास्ट 5 मिनट्स की ये थी, उसके टायर्स में एयर प्रेशर ये मेंटेन हो रहा है, उसकी अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसकी बैटरी की इतनी पावर अभी मेंटेन रिटेन हो रही है उस बैटरी में, कुड बी एनीथिंग। तो अब ये सारा डेटा जनरेट हो रहा है, इसने कहीं पे जाके स्टोर होना है एंड इट्स नॉट जस्ट वन व्हीकल, इट कैन बी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स। अच्छा, फिर वो व्हीकल्स किस रास्ते पे जा रही हैं, तो उनकी जियोग्राफिक लोकेशन, अच्छा इस लोकेशन पे अभी पहुंची है, ओके नाउ आफ्टर 5 मिनट्स इट इज़ एट दिस पाथ, वेयर डज द व्हीकल वॉन्ट टू गो, उसने इधर जाना है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करनी है और उसके ऊपर आपने एनालिसिस करना है। तो ये सारा का सारा अब आपके पास डेटा सोर्सेज के परस्पेक्टिव से देखें तो ये मल्टीपल डिफरेंट सोर्सेज हो गई हैं और ये मल्टीपल डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा आपके पास लाया जा रहा है जो कि स्टोर किया जा रहा है। तो जब आपने इस तरह के वेरीड और कॉम्प्लेक्स नेचर डेटा को टैकल करना है तो उसके लिए आपको फिर डेटा स्ट्रक्चर भी थोड़े कॉम्प्लेक्स बनाने पड़ सकते हैं, जिसके लिए फिर हम लोग आगे जब हम लेट्स से स्पेशल डेटा यूज़ करना होता है तो फिर हम स्पेशल डेटा वेयर हाउसिंग का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सिमिलरली अगर आपको कुछ स्पेसिफिक एक चीज़ टाइम बेस्ड एनालिसिस करना चाह रहे हैं आप, तो वो फिर टेम्पोरल डेटा वेयर हाउसेज भी हम लोग देखते हैं उनको कि ये कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। नाउ डेटा इज़ जनरेटिंग,
ओवरऑल एट अ मच मोर फास्टर पेस एज कम्पेयर टू वट वॉज हैपनिंग 15 ईयर्स अगो। ठीक है, तो इस सिनेरियो में जब हम देखते हैं कि डेटा वेयर हाउस को कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए, तो हमें ये समझ आती है कि डेटा वेयर हाउस को स्केल अप करना काफ़ी कॉस्टली और टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। अच्छा, डेटा वेयर हाउस को स्केल अप करने से मुराद ये है, एसेंशियली स्केलिंग अप इज़ वेन वी से के भाई आपके लिए स्टोरेज रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। पहले आपके पास 10 टेराबाइट की लेट्स से 2 या 3 हार्ड स्टोरेज डिवाइसेस लगी हुई थी जहाँ पे आप डेटा स्टोर कर रहे थे। नाउ यू नीड टू स्टोर मोर डेटा, तो ऐसा करो कि 10 टेराबाइट्स की 2 या 3 स्टोरेज डिवाइसेस और इसके साथ कनेक्ट कर दो। आपका सर्वर के ऊपर लोड बढ़ गया है, एक सर्वर और लगा दो। ठीक है, 2 सर्वर्स ऐड कर दो कंप्यूटेशन के लिए। आपको पावर बैकअप ज़्यादा चाहिए, 2 UPSs के साथ या पावर जनरेटर्स ऐड कर दो। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड स्केलिंग अप। के जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ऑन बोर्ड लेके आ रहे हैं और उसको अटैच कर रहे हैं विद द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जब आप ये करना चाहेंगे तो वन ऑब्वियस लिमिटेशन इज़ द कॉस्ट, कि भाई आपको कॉस्ट उसकी लगेगी, उसकी कॉस्ट में टाइम कॉस्ट भी आ जाती है। ठीक है, और उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट भी आ जाती है। टाइम कॉस्ट इस तरह से कि आपको उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपको उसका चेक करना पड़ेगा कि भाई क्या मेरी मैनेजमेंट अलाउ कर रही है, क्या मेरे फाइनेंशियल रिसोर्स इतने हैं कि मैं ये सारी चीज़ें एक्वायर करूँ। अच्छा, फिर इनको मैं स्टोर कहाँ करूँगा? अच्छा, इनकी मेंटेनेंस के लिए जो मैंने ह्यूमन रिसोर्स हायर करना है वो कहाँ से आएगा? ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। फिर आपको प्रोक्योरमेंट का एक पूरा प्रोसेस गुजारना पड़ेगा ताकि फेयर ट्रांसपेरेंट वेंडर से आप चीज़ एक्वायर करके उसको इंस्टॉल करा सकें। फिर उसकी इंस्टॉलेशन का एक प्रोसेस होगा, सो इट मे टेक मे बी डेज मे बी मंथ्स। ठीक है, बट अबाउट द कंप्लीट प्रोसेस अबाउट टेक्स अ मंथ एटलीस्ट, क्योंकि आप पहले उसकी असेसमेंट करते हैं, फिर उसके बाद उसका ROI बनाते हैं कि जी इसमें अगर हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसका रिटर्न हमें किस किन टर्म्स में मिलेगा, व्हाट विल बी द आउटपुट दैट विल मेजर द सक्सेस। तो ये सारी चीज़ें आपके पास कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, हुआ ये है कि जी मॉडर्न डेटा वेयर हाउस के अंदर हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ गए जिनको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और उनको यूटिलाइजेशन से हमें हेल्प मिल रही है कि हम अपना कैसे सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। वन ऑब्वियस थिंग या एस्पेक्ट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आपके पास बेनिफिट ये आ जाता है कि आपको स्टोरेज अपने साइट पे नहीं करनी होती, बल्कि आपकी जो स्टोरेज है वो ऑफ साइट है किसी और कंपनी के पास। आपने सिर्फ उसमें अपना डेटा स्टोर करना है, उसको बताना है, कॉन्फ़िगरेशन करनी है प्रोग्रामेटिकली कि डेटा ने वहाँ तक जाना कैसे है। ठीक है, बट स्टोरेज को मेंटेन करना, उसकी सिक्योरिटी इंश्योर करना, उसके ऊपर बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, साइबर सिक्योरिटी या फिजिकल सिक्योरिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो सब कवर करना उस ऑर्गेनाइजेशन का काम है, और वो ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए ओनरशिप लेगी फिर। ठीक है, इसका एक फ़ायदा ये हो जाता है जी कि आपके पास लो कॉस्ट होता है स्टोरेज की, कि आप फॉरन सिर्फ जो स्टोरेज यूज़ कर रहे होते हैं यूजुअली आप यू आर ओनली पेइंग फॉर दैट। ठीक है, फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप इम्प्रूव स्केलेबिलिटी है उस जिस वेंडर से आपने क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्स बाय परचेज की हुई है, वो आपको ये ऑप्शन देता है कि इफ़ योर डेटा स्टार्ट्स टू एक्सीड, ठीक है, यू कैन जस्ट प्रेस अ फ्यू क्लिक्स बटन्स एंड आर सिस्टम विल स्टार्ट सपोर्टिंग द बिगर कैपेसिटीज फॉर कंप्यूटेशन एज वेल एज स्टोरेज। ठीक है, आप अगर स्टोरेज की रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाती है एंड यू वांट टू ऐड द कैपेसिटी ऑफ 10 टेराबाइट्स टू योर स्टोरेज, यू कैन जस्ट प्रेस अ फ्यू क्लिक्स एंड इट विल बी डन विद इन अ मैटर ऑफ आवर्स एंड इवन मिनट्स। ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है। यू डोंट हैव टू गो थ्रू द होल प्रोसेस ऑफ गेटिंग द प्रोक्योरमेंट एंड दिस एंड दैट एंड इंस्टॉलेशन एंड देन रीचेकिंग एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू यूटिलाइज, उस सारे पैनिक और उस सारे पेन से आप बच जाते हैं। ठीक, तो ये आपको क्लाउड के फवायदे हैं। फिर आर्किटेक्चर लेवल पे इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, प्रोग्रामेटिक लेवल पे इम्प्रूवमेंट्स आई हैं हमारे पास। हम लोग अब पैरेलल प्रोसेसिंग को यूटिलाइज करते हैं इन कंप्यूटेशन,
इसके लिए हम GPUs वगैरह भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम एक ऑपरेशन को मल्टीपल में डिवाइड कर देते हैं। आपके पास कोर्स होती है प्रोसेसर्स की, इंस्टेड के एक एक ही प्रोसेसर यूज़ हो वो मल्टीपल प्रोसेसर्स कंसिडर कर लेता है उसको। फिर मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं जो कि उन चीज़ों को फर्दर, बेसिकली मल्टीपल प्रोसेसर्स एंड देन मल्टीपल कोर्स फॉर ईच प्रोसेसर, एंड दिस इज़ हाउ वी एक्चुअली गो फॉर इट, के एक टास्क को ब्रेक करो लेट्स से इनटू टू थ्री और फोर मल्टीपल टास्क और इवन मेनी अदर मेनी मोर मल्टीपल टास्क, और उनको पैरेलल में रन करके उनकी एग्जीक्यूशन को दोबारा कंपाइल कर लेना, उनकी जो आउटपुट आएगी, और अपना रिजल्ट मल्टीपल टाइम्स फास्टर एक्वायर कर लेना। देन वी हैव वेक्टराइज प्रोसेसिंग, ये भी आपकी जो सॉल्यूशंस हैं उन्होंने स्टोरेज सॉल्यूशंस के अंदर इम्प्लीमेंट किया है कि भाई आप वेक्टर फॉर्म में डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, उसको रीड या राइट कर सकते हैं, सो दैट मेक्स थिंग्स मच मच फास्टर। फिर एक स्टोरेज के हार्डवेयर लेवल पे जो एक इम्पॉर्टेंट चेंज आया है कि पहले आप मैग्नेटिक टेप्स पे थे, फिर आप हार्ड डिस्क के ऊपर आ गए, और फिर हार्ड डिस्क से SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव्स के ऊपर आ गए, कि सॉलिड स्टेट ड्राइव में आपके पास डेटा की स्टोरेज रिट्रीवल के लिए जो टाइम कैपेसिटी रिक्वायर्ड है, जो डेटा को फेच और राइट करने के टाइम है, वो मल्टीपल टाइम्स फास्टर हो गया, जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट बूस्ट आया है सिस्टम्स की परफॉर्मेंस में। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ मॉडर्न डे के टूल्स या इम्प्रूवमेंट्स हैं। व्हाट वी हैव हियर इज द एवोल्यूशन ऑफ डेटा प्लेटफॉर्म्स। ओवरऑल एक हिस्ट्री क्या है कि सबसे पहले आपके पास रिलेशनल डेटाबेसेस आए, रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर रिसर्च हो रही थी, उसको इवॉल्व किया जा रहा था टू सूट द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री। फिर जब रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर स्टोरेज आना शुरू हो गई, काफ़ी डेटा आ गया आपके पास, नाउ यू वांटेड टू स्टोर दैट डेटा टू मेक इट यूजफुल। देर वॉज ऑल्सो द एस्पेक्ट के ऑपरेशनल डेटा सिस्टम के ऊपर से आप लोड कम करना चाह रहे थे, उन स्टोरेज को कहीं और सेव करना चाह रहे थे। सो 1990s, इन अबाउट 1990 ये डेटा वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट आया कि भाई ऐसा भी हम कर सकते हैं कि एक अलग से एक स्टोरेज बना लें जहाँ पे चीज़ें स्टोर कर लें। फिर उस पर रिसर्च हुई, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड्स बनते गए, उस रिक्वायरमेंट को जब मज़ीद देखा गया तो उसकी बेस पे डेटा वेयर हाउस के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स वजूद में आए, और उन्होंने काफ़ी जो है डेटा वेयर हाउसिंग का सारा जो प्रोसेस है उसको सिस्टमाइज कर दिया, सिस्टमेटिक बना दिया। आफ्टर दैट तकरीबन ये 2010 से ऑनवर्ड आपके पास फिर क्लाउड कंप्यूटिंग और इस तरह की जो चीज़ें आना शुरू हो गई, तो अब आपने डेटा वेयर हाउस को भी क्लाउड की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया कि मैं क्लाउड रिसोर्सेज यूज़ कर लूँ एज़ कम्पेयर्ड के मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी कॉस्ट में बाय माई ओन सेल्फ इन्वेस्ट करके, और वो सारा रिस्क खुद लेने के बजाय मैं किसी कंपनी को आउटसोर्स कर दूँ। तो दिस वॉज अ नेचुरल एवोल्यूशन दैट हैपेंड इन लास्ट 40 ईयर्स। मॉडर्न डेटा वेयर हाउस एसेंशली वर्क्स लाइक द सेम थिंग। क्या क्या उस डेटा वेयर हाउस है और उसके अंदर आपने ETL के प्रोसेस के थ्रू मल्टीपल सोर्सेज से डेटा लेके आना है, इंटीग्रेट करना है डेटा को, टाइम वेस्ट होगा, और ऑलमोस्ट ऑल द सेम प्रॉपर्टीज दैट अ नॉर्मल ट्रेडिशनल डेटा वेयर हाउस हैज़, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि ये डेटा वेयर हाउस आपके पास क्लाउड के अंदर रिजाइड करेगा। अब क्लाउड में टू व्हाट एक्सटेंट रिजाइड करेगा दैट इज़ अ सेपरेट क्वेश्चन, क्योंकि इट कुड बी कि आप सिर्फ उसको एज अ स्टोरेज कैपेसिटी यूज़ कर रहे हो, बट इट कुड ऑल्सो बी कि आप ज़्यादा एडवांस जाके इसकी पूरी जो टेक्नोलॉजी है इसका बेस्ट फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, मोस्ट यूज़ करना चाह रहे हैं इसको, तो फिर आप इसकी कंप्यूटेशन सर्विसेज और इसके जो डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स हैं उनको यूटिलाइज करके अपने डेटा वेयर हाउस के मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं। सो देन आफ्टर द डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटा वेयर हाउस वी हैव द फ्रंट एंड एनालिटिक्स पार्ट, कि जहाँ पे आपके पास यूजर्स के लिए एक्सेस पोर्टल्स, रिपोर्टिंग पोर्टल्स एंड डैशबोर्ड्स हैव बीन क्रिएटेड जो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स को सपोर्ट कर सकते हैं, जो नॉर्मल रिपोर्टिंग जो होती है आपकी डे टू डे बिजनेस की वो कर सकते हैं। फॉर डेटा एनालिस्ट यू कैन हैव द ऑप्शन फॉर डेटा एक्सप्लोरेशन, सो ऑल दोज फीचर्स कम ऑन द अदर साइड ऑफ द डेटा वेयर हाउस। डेटा एक्सप्लोरेशन आपके पास बहुत आसान हो जाती है मॉडर्न डेटा वेयर हाउस में रिलेटिव टू द ओल्ड ट्रेडिशनल डेटा वेयर हाउस। फिर आपके पास चूंकि डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो
तो यहाँ पे एक फैक्टर ये आ जाता है कि ये रिसोर्स जो होता है कि काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं इसके लिए। तो ये आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने कंसिडर करना होता है कि अगर आपने डेटा एक्सप्लोरेशन करनी है तो इंटेंसिव, आपके पास चूंकि डेटा बहुत ज़्यादा है, एक्सटेंसिव डेटा है, तो वी विल नीड इंटेंसिव रिसोर्सेज कि आपको अच्छे सर्वर, अच्छी कंप्यूटेशन पावर चाहिए होगी, एंड इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज अगर आप विदाउट अ थॉरली अंडरस्टैंडेबल अप्रोच आप उसको रैंडमली डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट मे इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ टाइम कॉस्ट इवन विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट हार्डवेयर डिवाइसेस। सो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने की ज़रूरत होती है जब हम डेटा एक्सप्लोरेशन कर रहे होते हैं। देन वी हैव एन अ न्यू कॉन्सेप्ट, रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट, डेटा लेक्स। डेटा लेक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जी आपके पास जनरली स्पीकिंग, जिसमें आप कहते हैं कि मैं बजाय इसके पूरे ETL प्रोसेस से गुजर के डेटा को ट्रांसफॉर्म करके डेटा वेयर हाउस में स्टोर करूँ, सिंस आई डोंट नो कि विच डेटा फ्रॉम विच सोर्स इज गोइंग टू बी मोर यूजेबल, वाई नॉट स्टोर द ऑल ऑफ द डेटा बट स्टोर इट इन अ रॉ फॉर्म। जैसा वो सोर्स से आ रहा है मैं वैसे ही उसको स्टोर कर देता हूँ, और बाद में आई कैन लुक इन टू इट कि एक्चुअल में मुझे कौन सा डेटा चाहिए, और जब मुझे कोई डेटा चाहिए होगा तब मैं उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रोसेस कर लूँगा। सो डेटा लेक बेसिकली जो एडवांटेज देता है वो इन द केस ऑफ बिग डेटा दे रहा है, जब आपके पास IoT की डिवाइसेस आ रही हैं, डिवाइसेस बढ़ती जा रही हैं, डेटा की नेचर चेंज होती जा रही है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है डेटा का, बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसमें वैरायटी भी आ रही है कि डेटा बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है कि भाई, तो आपके पास कभी किस तरह का डेटा आ जाता है, कभी किस तरह का डेटा आ जाता है, और फिर जो उसका रेट है कि जिस रेट से वो इंक्रीज हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो ह्यूज, कि वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डेटा है, उसकी वैरायटी, उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इट्स नॉट द सेम काइंड ऑफ डेटा, एंड देन दैट डेटा इज इंक्रीजिंग विद अ फास्ट रेट। तो यहाँ पे आपके पास ये तीन फैक्टर्स आ जाते हैं जिन फैक्टर्स को आपने एड्रेस करना होता है। फिर आपके पास लो कॉस्ट स्टोरेज एक फैक्टर है यहाँ पे डेटा लेक्स के अंदर, कि डेटा लेक आपको सपोर्ट करता है कि आपके पास लो कॉस्ट स्टोरेज होती है, आपको बहुत एक्सटेंसिव ETL प्रोसेसेस नहीं लिखने पड़ते टू स्टार्ट डिप्लॉइंग द डेटा लेक, एंड देन वी कैन कंट्रोल द एक्सेसिबिलिटी ऑफ यूजर ग्रुप्स, कि किसी एक स्पेसिफिक यूजर्स का, आपका एनालिस्ट का ग्रुप है जिसको आप कुछ खास किस्म का इंफॉर्मेशन अलाउ करना चाहते हैं कि ओके दिस सेंसर बेस्ड डेटा विल बी एक्सेसिबल टू दीज फ्यू यूजर्स, ये जो XYZ काइंड ऑफ डेटा है ये कुछ और यूजर्स को अवेलेबल होगा, तो यू कैन गो ऑन विद दैट, और वो डेटा लेक आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं।